रुख लगाना चाहूँगी सबसे पहले दरगाह हजरत निज़ामुद्दीन औलिया शेख के चेयरमैन हमारे बीच में हैं, हमारे बड़े भाई सैयद अफसर अली निज़ामी साहब। उसके बाद हमारे बीच में जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं मोहसिन खान जी हैं, एडिटर इन चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रांड न्यूज। हमारे बीच में मौजूद हैं अली जैदी फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर्टिजन इन इंडिया। और हमारे बीच में एक यंग टैलेंटेड फाइन आर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईशान, हमारे बीच में मौजूद है ईशान भल्ला जो कि इंडिया एशियन आर्ट फेस्टिवल के फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जैसा कि आपको सबको इंतज़ार था, बहुत लंबे वक्त का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे बीच में हमारे जो खास मेहमान हैं इस एग्जीबिशन के इमरान प्रतापगढ़ी जी। मैं तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ और सब आप यहाँ आए, इमरान जी, मोहसिन जी, अली जैदी जी, ईशान भल्ला और हमारे अफसर भाई, आपका तहे दिल से हम सारे आर्टिस्ट की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बड़ी बहन इरम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हजरत महफिल के इमरान को इस जगह पर बुलाया, जो हमेशा मुझे बुलाती रहती हैं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैंने देखा है बहुत खूबसूरत अलग अलग अंदाज के अंदर ये पेंटिंग है, मैं बस यही गौर करता हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे पर दिखा और अल्लाह ताला इसी तरह आप जो हैं मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमारी बहन को आगे बढ़ाते रहें और अल्लाह आप सबको आगे बढ़ाते रहें। अफसर भाई, इमरान भाई, अली भाई, यहाँ जितने भी मेहमान हमारे मौजूद हैं हमारे साथ में, सबसे पहले उन सबका शुक्रिया अदा यहाँ से निकल कर हुआ है क्योंकि इरम जी हमारी बहन जैसी हैं और इन्होंने दूसरी बार मुझे यहाँ मौका दिया यहाँ आने का, तो आपको एक बार शुक्रिया करता हूँ। जो यहाँ पर सब तमाम आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इरम जी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएँ एंड बहुत बहुत बधाई, इतना शानदार काम यहाँ पर ये कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। आर्टिस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, अपनी सोच को जो हम सोचते हैं, अपने दिमाग को जो हम सोचते हैं, सोच को रंगों के जरिए, चित्र के जरिए, पिक्चर के जरिए हमारे सामने रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब सिर्फ क्योंकि इमरान भाई का मौजूद है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इमरान भाई को सुनने के लिए बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो सीरियस बातों का यहाँ पर समय है नहीं, हम तो जब बात करते हैं पत्रकारिता के तो लोग बुक हो जाते हैं तो टीवी के लिए छोड़ देते हैं। बस आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे आगे बढ़ते हैं, अच्छे से काम करते हैं। ये सब मैं कुछ वर्ड्स चाहूँगी फाइन आर्ट्स और आर्ट्स के लिए शाम जी से, मैं शाम जी से आप हमारे आर्टिस्ट को कुछ बताएंगे। Thank you, Erum ji, for giving me this beautiful opportunity and respected guests on the dais today. And I am really, really privileged to be here on this beautiful occasion full of art conjurers. And as sir has just said that, you know, being an artist is an achievement. So congratulations to the August gathering of artists. And once again, we look forward for more and more number of exhibitions in future. All the best. Yes. दोस्तों, जिस तरीके से साथ हैं आप सभी को, और मैं इमरान जी से दरख्वास्त करूंगी भाई, बहुत दिनों से बेताबी थी सबको कि एक तो होता है देखना है, लेकिन एक होता है कि आपको सुनना है, और सुनने के लिए सभी लोग बहुत बेचैन थे और आज सुबह से कुछ ऐसे इमरान जी के फॉलोअर्स सुबह से वेट कर रहे हैं और उनका कहना था कि जब तक वो आएंगे नहीं हम जाएंगे नहीं तो इतनी गर्मी में इंतज़ार जो है बहुत मुश्किल होता है, और मैं दो लाइनें कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी कि अजब होती हैं इंतज़ार की घड़ियाँ, दिल सीने की बजाय आंखों में धड़कता है। और ये एग्जीबिशन बेसिकली द लीडर टाइटल है इसका, लीडर जब मेरे ख्याल में आया तो मेरे दिल में सबसे बड़ी बात ये आई कि जो माहौल हमारे तरफ चारों तरफ चल रहा है, उस माहौल में
जो सोसाइटी है जब किसी को अपॉइंट करती है या कोई एक सीट पर बिठाती है तो जो जिम्मेदारियाँ लोगों की होती हैं उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो सीट पर बैठता है उसके ऊपर बन जाती हैं। मैं अपनी टीम को लीड करती हूँ तो मेरा दूसरों पे कहने का हक तब हो जाए जब मैं उस पर खुद अमल कर लूँ। तो एक बात तो ये है कि लीडर खुद भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए लीडर को। तो ये जज्बात जो थे दिल में थे और इसी जज्बात को लेके मैंने इस एग्जीबिशन का नाम लीडर रखा। और यहाँ पे हमारे मौजूद जितने भी गेस्ट हैं मैं सबको बताना चाहूँगी कि लीडर का मीन्स ये नहीं कि हमें किसी लीडर को लेके आती। मेरी नज़र में और मेरे दिल में जो वाकई सोसाइटी के लीडर हैं वो आपके सामने हैं। जो हमारी सोसाइटी का एक आईना है, सोसाइटी को रूबरू करा रहे हैं अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगहों पे। तो ये एक जो है बहुत ख़ास बात है। इमरान जी का जहाँ तक है सभी लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते वो आज जान भी जाएंगे कि इमरान जी ने सोसाइटी के लिए एक बहुत ही नेक काम और एक बहुत अच्छी पहल की हुई है। फिर इसी तरह अफसर भाई हैं जो अफसर भाई का बहुत ही ज़बरदस्त आपका पहले भी जानते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त सोशल काम करते आए हैं। अली जैदी जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं आर्टिस्ट को भी और एम्प्लॉइज़ को भी। इसी तरह मोहसिन जी हैं जो सोसाइटी में जितनी भी ऐसी बुराइयाँ हैं जिसको कोई हाईलाइट नहीं करता वो प्राइम न्यूज़ करता है। तो इसके लिए मैं अच्छा पहले बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और मैं इमरान जी से कहूँगी कि मेरे आर्टिस्टों के लिए भी कुछ कहें और जिसका हमको इंतज़ार है थोड़ा सा कुछ आप जो आपको अच्छा लगे। बहुत शुक्रिया इरम साहिबा का। पहली बार मैं मुशायरे की दुनिया से अलग, भीड़ से अलग, शोर शराबे से अलग एक ऐसी अच्छी जनजी के बीच में खड़ा हूँ जो कला के अलग तरह के रंग अपने आप में समेटे हुए हैं। जब मुझे इस प्रोग्राम के लिए दावतनामा मिला मुझे ये हुक्म हुआ कि इस प्रोग्राम में शामिल होना है। मेरे मैनेजर साहब ने बहुत दबाव डाला, शायद इरम जी ने उनसे उन्हें अच्छे से कला के बारे में समझा दिया था तो वो मुझे मुसलसल इस बात के लिए मजबूर करते रहे कि बिल्कुल चलना चाहिए उस प्रोग्राम में। और आपके दिल में ख्याल आते हैं तो आप उसे कैनवास पर अपने रंगों के जरिए उतार देते हैं। है कहीं ना कहीं तमाम कलाओं का आपस में, तमाम जितने आर्ट्स हैं सबका एक दूसरे से आपस का रिश्ता है। पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर हैं अब्बास ताबिश, उनका एक शेर है कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। ये जो कलाकार हैं इनका जो अपनी विधाओं से जो रिश्ता है उसे ज़िंदगी भर निभाते रहते हैं, दिल में जो ख्याल आते हैं, समाज में जो कुछ आप घटता हुआ देखते हैं आप कोशिश करते हैं कि उसे कैनवस पर उतार दें, हम कोशिश करते हैं कि उन लफ्ज़ों को कागज़ पर उतार कर दुनिया के सामने शायरी के रूप में रखते हैं। अलग अलग विधाओं के लोग बैठे हैं, बहुत खूबसूरत महफिल है ये, बहुत छोटी लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत यादगार सी शाम है ये जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो ये बहुत खूबसूरत सी शाम है, ना मैं कोई जहन बना के आया हूँ कि कुछ सलाना है, मैं तो सिर्फ आज देखने आया था, सोचा था सुकून से आऊँगा और सारी पेंटिंग्स देखूँगा, लोगों की कलाएँ देखूँगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फेसबुक पे भी अपडेट ना करूँ कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी चंद दोस्तों को पता चल गया तो वो सुकून कम होता चला गया। मैं सोच रहा था और कम भीड़ होगी तो और अच्छा रहेगा। पेंटिंग्स देखते हैं तो आपके अंदर कहीं जो सोया हुआ एक इंसान है उसे जगाने का काम ये कलाएं करती हैं। तो आपको भी बहुत मुबारकबाद कि आप यहाँ पर आए और ऐसी शामें अगर इस मशीनी दौर में मिले तो उन्हें जीने की कोशिश किया करें। जो मेरे नए दोस्त यहाँ खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये सच है कि
दुनिया बहुत छोटी हो गई है, ग्लोबलाइजेशन ने, इंटरनेट ने, टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को इतना छोटा कर दिया है, दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि आपकी एक क्लिक पर दुनिया आपकी आंखों के सामने खुल करके आपके मोबाइल स्क्रीन में आ जाती है। मनोवराना का एक बहुत मशहूर शेर है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जो आर्ट है, ये जो हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया है, हिंदुस्तान इसीलिए शायद पूरी दुनिया में ज्यादा पहचाना जाता है कि अपने आप में हजारों लाखों विविधताएं समेटे, अपने आप में बहुत ढेर सारे रंग समेटे हुए हैं। और इस तरह की पर्टिकुलर सारे लोगों की जो सोच बनी है वो बहुत ही खराब सी है। जैसे ही लीडर नाम आता है हमारे जहन में चंद नेताओं के नाम आ जाते हैं और फिर हम एक बुरा सा मुंह बना करके उससे सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन आज जो एक लीडर की एक नई परिभाषा अपने अपने फील्ड में जो समाज को लीड कर रहे हैं, आप सब ने कोशिश करी है कि उन तमाम लोगों से यहाँ मुलाकात हो सके और ऐसी तमाम सोच से यहाँ मुलाकात हो सके। तो मैं इरम जी को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद दूंगा और ये वादा भी करूंगा कि आप जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम करें तो मुझे चुपके से एक दावतनामा ज़रूर भेजें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं चुपके से कोशिश करी के दुनिया के सामने रखूं। और उस हवाले से मैंने थोड़ा सा समाज को कोशिश करी के समाज का जो असली चेहरा है, समाज में जो घट रहा है उसे दुनिया के सामने अपनी शायरी के जरिए लाऊं, जिसे मोहसिन भाई जैसे कुछ पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो मीडिया बहुत कम तरजीह देती है, ऐसे मुद्दों को दुनिया के सामने रखूँ। एक गज़ल के दो तीन शेर ऐसे सुना देता हूँ और मेरा ख्याल है कि इरम जी भी वही काम कर रही हैं। ऐसी नई प्रतिभाओं से आज मुलाकात हुई, मैं सूर्यांश की पेंटिंग देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत छोटे से बच्चे ने इतनी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है और उसे एक प्लेटफॉर्म भी आपने दिया, अभी बड़ी एग्जीबिशन में उसकी भी पेंटिंग यहाँ लगी हुई है, तो बच्चों को एक हौसला मिल रहा है। हवा के रूप में रहने दो तो जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, और तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, यहाँ रहकर ये पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। अच्छी कोशिश है, मैं दो तीन शेर एक गजल के सुनाता हूँ। वही काम हम सारे लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं अपने अपने हवाले से, अपने ब्रश और अपने रंगों के जरिए। वही काम मोहसिन भाई कर रहे हैं अपनी पत्रकारिता के जरिए, अपने लफ्ज़ों के जरिए। वही काम इरम साहिबा कर रही हैं नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म दे करके, नई नई कलाओं को देश के सामने, दुनिया के सामने रख करके। वही काम शायद मैं भी कर रहा हूँ। मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ एक गजल के। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। हम तमाम कलाकारों, हम तमाम कलाओं के लोगों की तरफ से ये शेर। मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। जिंदगी को मैं तेज तूफान में, जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ, मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। समंदरों से ये कोई कह दे गुरूर रख दे वो साहिलों पर, समंदरों से ये कोई कह दे गुरूर को रख दे साहिलों पर, मैं थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ, मैं थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। अच्छा, बहुत दिन से बिना शोर शराबे के शायरी सुनाने की आदत। मैं इन थपेड़ों में
मैं अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। एक आंख आपकी होती है, एक नजर आपकी होती है जिससे आप चीजों को देखते हैं, एक नजर एक शायर की होती है वो अपनी नजर से चीजों को देखता है। मैं शेर पढ़ता हूँ और आपके एहसासों के दिल पर कहीं दस्तक सी हो तो मुझे जिंदा होने का सबूत देते हुए बताइएगा कि शेर आपको पसंद आया। मैं पढ़ता हूँ, मैं पेड़ों में अपनी कश्ती को पार करना सिखा रहा हूँ। नजर में हो बलबलों की तो हर अदा में हो एक तेवर, नजर में हो आग बलबलों की तो हर अदा में हो एक तेवर, नजर में हो आग बलबलों की तो हर अदा में हो एक तेवर। मैं हुस्न वालों को इस नए तौर से समझना सिखा रहा हूँ, मैं हुस्न वालों को इस नए तौर से समझना सिखा रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल है, ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल है। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पांव धरना सिखा रहा हूँ। और आखिरी शेर मेरे वजूद का शेर, मेरी जिंदगी का शेर। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए जमाने से लड़िए जमाने से लड़ रहा हूँ। मैं एक सीधा हूँ दूतों का, कोई कह दे गुरूर को रख दे साहिलों पर। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। और मुझे लगता है यहाँ पे रंगों के साथ साथ पोएट्री का एक अलग ही माहौल बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया और ये हमें पूरी जिंदगी याद रहने वाला है। और आपसे ये मैं वादा भी करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं रेगुलर बेसिस पे शोज करती रहती हूँ। लेकिन अब हमारा जो अगला शो है वो आर्ट और पोएट्री को लेके ही इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज होगा। तमाम कलाकारों को यहाँ इकट्ठा करना और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाना, मुझे लगता है कि आज के इस पूरे प्रोग्राम में, आज की इस पूरी शाम में सबसे ज़्यादा तालियों का अगर कोई हकदार है तो वो आज की जो ऑर्गेनाइजर है इरम खान जी। बाकी ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो इस तरह से हमें चंद बहुत खूबसूरत लम्हे मुहैया करवा रहे हैं, तो आपको बहुत मुबारकबाद। आपकी कोशिशें बहुत बड़ी हैं और हम सब की तमाम दुआएं, हमारे तमाम चाहने वालों की तरफ से आपको बहुत दुआएं। दोबारा जब भी आप प्रोग्राम करेंगे हम सारे लोग हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अब इंतजार उस दिन का होगा जब आर्टिस्ट काम करेंगे और बेहतरीन काम डिस्प्ले होगा इंशाल्लाह। और आप यहाँ आए, एक बार सारे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सर आ जाएं प्लीज़।